Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया है फ्रेंड्स? आज हम लोग इस वाली पतंग को उड़ा करके कुछ काइट फाइटिंग करने वाले हैं, और अभी काफ़ी ख़तरनाक काइट फाइटिंग हो रही है हमारे इधर, तो अब देखते हैं कि आज मैं काट पाता हूँ कि नहीं काट पाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लड़ाने वाले छतों पर आ गए हैं, और 15 अगस्त जो है अभी कल है, और आज ही इतनी पतंग आसमान में उड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे छत के ऊपर से बहुत बहुत ज़्यादा पतंग जा रही है, और मैं तो कल तो वीडियो बनाऊँगा, और लेकिन आज काइट फाइटिंग कर रहा हूँ, तो इसको आज मैं काइट फाइटिंग करके पतंगों को काट करके लपेटने की भी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा ना बात करते हुए इसके फेंकते हैं, जाए से फेंकते हैं और लाते हैं, और मेरे सर के ऊपर देखिए दो पतंगे लड़ रही है, इनमें से एक को निपटाऊंगा अभी, और मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि फटाफट जो है, ये देखिए अभी ठीक से उड़ा नहीं, पहले ही लड़ाने आ गया। अरे भाई, थोड़ा सा तो इंतज़ार कर ले यार। फ्रेंड्स देखिए, हमने एडवांस में ही झंडा लगा दिया, और एक दिन पहले ही झंडा लगा दिया, और कल भी लगा रहेगा, ये परसों भी लगा रहेगा, कई दिन तक लगा रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं लड़ाने लग रहा हूँ, और जो ओपोनेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड से आया हुआ है, झप मारा था, निकल गया। फ्रेंड्स काट दिया, ओए मेरी भी चली गई, लेकिन मैंने पेच काट दिया, मेरा पेच हो गया, मैंने पेच काट दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मैंने पेच काट दिया था, और पेच काटने के बाद मेरी पतंग टूट गई, इसका मतलब मेरा पेच हो गया। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये सब पतंग कट करके आई है, और इन्हीं में से मैं एक को उड़ा लूँगा। ये सब छत पे गिरी हैं, और लगातार एक के बाद एक पतंगें आ रही हैं कट कट करके। कल क्या होगा पता नहीं, भगवान ही मालिक है, और कल तो बहुत ही ज़्यादा पतंग उड़ेगा। आज भी अभी ऐसे काफ़ी उड़ रहा है, हवा कम है, फिर भी उसके बावजूद भी काफ़ी पतंग उड़ रहा है। फ्रेंड्स अब हम लोग इस वाली पतंग को उड़ा रहे हैं, और ये होममेड काइट है, इसको लड़ा देता हूँ आज आगे ले जा करके, क्योंकि अब इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इनको फटाफट जो है मैं लड़ा दूंगा। इसको आपने बनते हुए देखा है, और इसको जब हमने बनाया था तो इसकी वीडियो बनाई थी, बना करके अपलोडिंग करी थी। पतंग देखिए मस्त है, इसका चक्कर देखिए, चक्कर बहुत बढ़िया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये लड़ने जा रहा है, और फिर नहीं आया फ्रेंड्स। वो आ गया नीचे से, काट दी,
होममेड काइट जिंदाबाद। अब मैं इधर लड़ाऊंगा, उसको तो काट दिया मैंने। फ्रेंड देखिए फिर से लड़ने जा रहा है, और मैं नीचे से आया हुआ हूँ और वो ऊपर से लड़ा रहा है। काट दी फ्रेंड्स, पहले मुड्डा बचाया फिर खींचा। देखिए होममेड काइट कितना बढ़िया चलता है, और लोग बनाना ही नहीं चाहते होममेड काइट। कितना बढ़िया होममेड काइट चलता है फ्रेंड्स, आप लोग बनाया करो घर पे। ये देखिए फ्रेंड्स एक पतंग कट करके जा रही है, और काफी डोरों से है। इसको मैं डबल काट दूंगा। काट दी डबल, नहीं अभी भी नहीं कटी, अब शायद कट गई। अरे बेटे तुम यहाँ पे आ जाते हो, तुम छत पे आ जाते हो पतंग वगैरह मांगने के लिए, और किसी दिन तुम गिर गए तो क्या होगा, तुमको तो तुमको चौकीदार कुछ बोलता नहीं है, हैं? तुम अगर किसी दिन गिर जाओगे फिर क्या होगा, तुम यहाँ पे आ जाते हो छत पे, और छत खुला हुआ है देख रहे हो ना, पहले भी मैंने तुमको मना किया है कि मत आया करो, ऐसा करके मत आया करो, नीचे आंटी नाराज़ होती हैं कितनी। चौकीदार तुमको कुछ भी नहीं बोलता, चौकीदार मिलता नहीं क्या तुमको, नीचे गेट पे नहीं बैठा होता है, बड़ा बेकार चौकीदार है। तो तुम इतने ऊपर क्यों चढ़ करके आ जाते हो, तुम किसी दिन गिर जाओगे, तुमको पतंग मांझा मांगा दे दिया फिर तुम आ गए, हम तो तुमको बुलाते नहीं है लेकिन तुम क्यों आ जाते हो, हैं? तुमको इस तरह से नहीं आना चाहिए। गेट खुला हुआ था क्या नीचे का, हाँ गेट खुला हुआ था, चौकीदार भी नहीं बैठा हुआ था। चलो ये पतंग उठा लो और जाओ नीचे चले जाओ। फ्रेंड्स मैंने इसको एक लूटी हुई पतंग हमारे छत पे पड़ी हुई थी वो दे दिया, अब ये चला जाएगा। तुम चले जाओ, अब इधर नहीं आया करो छत पे, नहीं चलो जाओ अब जाओ जाओ। फ्रेंड्स अभी आपने देखा जो मैंने अपनी होममेड काइट उड़ाई थी उससे मैंने दो तीन पेज काटा, और एक पतंग पीछे से कट के आई उसको मैं लपेटने लगा, और मैंने सोचा उसको डबल काट करके लपेट दूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मांझे से था। पर फ्रेंड्स जब मैं उसके नीचे से घुस करके बाहर टेपर खींचा तो मेरे को लगा उसकी पतंग कट गई और पेड़ों के अंदर चली गई, और मैंने जैसे ही अपनी पतंग ऊपर उठाया डोर टाइट की और मेरी भी चली गई। फ्रेंड्स ये भी आपको बता दूँ ये भी एक होममेड काइट है, और अब इसको हम लोग उड़ाएंगे, इसको उड़ा करके लड़ाएंगे, और देखिए कि ये उड़ करके लड़ने में कैसा है, अभी आपको हम इसको उड़ा करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये बड़ी अजीब पतंग है, और ये भी हमने घर पे ही बनाया है अपने पास, और ऐसी कई सारी पतंग बनाया था हमने, छोटे छोटे बच्चों को दे दिया था, और ये हमने एक दो पतंग अपने पास रख लिया था, हमने कहा कि उड़ा करके देखेंगे। देखिए कितना मस्त उड़ रहा है, होममेड काइट है फ्रेंड्स, आज मैं सारा होममेड काइट उड़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए मेरा होममेड काइट फिर से लड़ेगा, और ओपोनेंट बहुत ही स्ट्रांग है। मेरी होममेड काइट जो है ना लंबी है, बहुत ज़्यादा बहुत लंबी काइट है। देखिए ओपोनेंट ऊपर से आया है,
और काट दिया मैं ओपोनेंट की पतंग उछलती हुई गई फ्रेंड्स। होममेड काइट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं आप होममेड काइट कितनी जबरदस्त है, खतरनाक वो जा रही है। वो देखिए उछलती कूदती हुई जा रही है। ओपोनेंट भी बहुत तगड़ा गद्दा मारा था, और ओपोनेंट जो हमारा बहुत मजबूत प्लेयर है, बहुत मजबूत। लेकिन मेरी होममेड काइट की स्पीड बहुत बढ़िया है, पतला सा लंबा सा है मेरी होममेड काइट, बिल्कुल मेरी तरह है जैसे मैं हूँ। फ्रेंड्स बहुत सारी पतंग लगातार एक के बाद एक कट कट करके जा रही है। फ्रेंड्स ये जो मेरा होममेड काइट है बिल्कुल एकदम दुबला पतला सा है मेरी तरह, जैसे मैं दुबला पतला हूँ ना वैसे ही मेरी तरह बिल्कुल एकदम दुबला पतला है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसकी स्पीड बहुत, और ये पतंग मैं आपको बताऊँ कैसी बनी हुई है, इसका तो जो ठड्डा लगा हुआ है ना वो 35 इंच लंबा ठड्डा लगा हुआ है, आप भी सोच करके हैरान हो जाएंगे। और 35 इंच लंबा ठड्डा लगा हुआ है, और जो इसकी पौने की साइज़ है और जो कमान है वो 27.5 इंच, यानी 26.5 से 27 इंच होता है पौने की गाइड का। 27.5 इंच का ठड्डा लगा हुआ, कमान लगा हुआ है इसमें, और ठड्डा जो है बहुत लंबा लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो इस करके जो है पतंग की स्पीड बढ़ी है, और बड़ा अजीब ही दिखता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि अगर ये स्पीड बना लेगा ना तो ओपोनेंट की पतंग भाग नहीं पाएगा। और इस पेज के अंदर यही हुआ, वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड से उड़ा रहा था और मैं नीचे से लड़ा रहा था फ्रेंड्स। उसने गद्दा मारा, ज़बरदस्त गद्दा मारा, लेकिन आप लोगों ने शायद वीडियो में कितना आया मेरे को नहीं मालूम, बहुत ज़बरदस्त स्पीड पकड़ लिया मेरे पतंग ने, स्पीड के बल पे जो है इसको काट दिया। देखिए फिर से पेच लंडे जा रहा है, और मेरा जो होममेड काइट है नीचे से लड़ेगा और ओपोनेंट ऊपर से लड़ाएगा। और ओपोनेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, अभी थोड़ी देर पहले इसी ओपोनेंट का एक पेच काटा था मैंने। काफ़ी अंधेरा हो गया, और मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, ओपोनेंट ऊपर से लड़ाएगा। वो आया चढ़ करके, काफ़ी चढ़ करके आ रहा है, वो काट दिया फ्रेंड्स। वो देखिए जा रही है, फिर काट दी, ये जा रही है, ये देखिए जा रही है। अब मैं लपेटूंगा नहीं, जितनी बार लपेटने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स उतनी बार मेरी पतंग चली जाती है। फ्रेंड्स हम लोग अब पतंग उतार ले रहे हैं, और देखिए चाँद कितना खूबसूरत चाँद निकला है, एकदम बहुत अच्छा खासा अंधेरा हो गया, और हमारी पतंग उतर रही है। इसको मैं चरखी से डायरेक्ट उतार रहा हूँ, और ये होममेड काइट देखिए आपको पता नहीं कितना नज़र आ रहा होगा, ये घर पे बनाई गई है फ्रेंड्स, ये मार्केट की नहीं है। और मैं पूरा इसको चरखी से उतार रहा हूँ, और ये बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आ गया है। बस नज़दीक आ गया फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी अजीब सी पतंग, और ये होममेड है, ये मार्केट की पतंग नहीं है फ्रेंड्स। ये मैंने बच्चों के लिए काफ़ी सारी पतंग बनाई थी, और 2-3 पतंग अपने पास रख लिया था, बाकी सारा बच्चों को दे दिया था। ये देखिए कैसा दिखता है, ये मार्केट का ख़रीदा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बता दूं, आज मेरी कोई भी पतंग नहीं कटी है, सारी पेच मैंने काटा है। एक दो पतंग मेरी गई जरूर है, लेकिन वो क्या हुआ फ्रेंड्स लपेटने के चक्कर में टूट गई। और मेरा वीडियो आज का ये वीडियो कैसा बना ज़रूर आप लोग कमेंट में आकर के बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लाइट सोमेन घोष, ये यही नाम है। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।